गाइस कैसे हो आप सभी लोगों का एंड स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक और न्यू एंड काफी ज्यादा अमेजिंग वीडियो के अंदर। तो गाइस आज की वीडियो में मैं खेलने वाला हूं माइनक्राफ्ट एंड मेरा यार बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा यार आज माइनक्राफ्ट खेलने का, क्योंकि यार बहुत तगड़ा वाला पर यहाँ पर मेरे साथ एक सीन हो चुका है। मेरा जो पुराने वाला वर्ल्ड था जिसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर इतनी सारी प्रोग्रेस करी थी, अपना घर बनाया था, अपना फार्म बनाया था, वो सारा का सारा अब डिलीट हो चुका है। हाँ, मेरी वजह से यहाँ पर डिलीट हो चुका है क्योंकि मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया। एंड आपको तो पता होगा कि माइनक्राफ्ट का यहाँ पर नया अपडेट आ चुका है एंड मेरी जो माइनक्राफ्ट थी वो यहाँ पर 1.23 एंड 1.21 का अपडेट आ गया। तो मैंने सोचा कि अपनी माइनक्राफ्ट को यहाँ पर अपडेट कर लिया जाए, क्योंकि नए नए अपडेट्स आएंगे तो वो हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे कि कौन से नए नए अपडेट आए माइनक्राफ्ट के अंदर। बट सब कुछ यहाँ पर ख़त्म ही हो गया यार। मतलब मैंने बेसिकली अपनी माइनक्राफ्ट डिलीट करी जो कि एपीके थी। हाँ, एपीके थी, मैंने प्ले स्टोर से माइनक्राफ्ट नहीं खरीदी थी। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी माइनक्राफ्ट वो प्ले स्टोर से ही खरीद ली जाए ओरिजिनल वाली, इसलिए मैंने ये वाली अपनी ओरिजिनल माइनक्राफ्ट खरीद ली। एंड उसके बाद हो गया सीन, मेरा जो पुराने वाला वर्ल्ड था वो मैंने सेव ही नहीं कर रखा था एंड वो हो चुका है डिलीट। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, बट या अपना जो अभी माइनक्राफ्ट वाला वर्ल्ड है वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है, बट अभी कुछ कर भी नहीं सकता मैं। तो चलो अभी अपने को सबसे पहले नया वर्ल्ड ही क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यार अब हम लोग हार मानने वालों में से नहीं है यार, हम लोग एक नया और भी तरह तगड़ा वर्ल्ड बनाएंगे। चलो अभी सबसे पहले क्रिएट न्यू वर्ल्ड करते एंड अपने वर्ल्ड का नाम यहाँ पर क्या रखूँ यार मैं। खैर कोई बात नहीं, ड्यूक एस न्यू वर्ल्ड, पता नहीं मैं ऐसा नाम क्यों रख रहा हूँ, बट ठीक है चलो, बहुत ज़्यादा बड़ा नाम हो रखा है, थोड़े ये डाल देता हूँ, अब अच्छा लग रहा है। खैर अपना नॉर्मल वाला ही वर्ल्ड है। एडवांस सेटिंग में स्टार्टिंग मैप ले लेता हूँ एंड कोऑर्डिनेट्स भी ऑन रख देता हूँ एंड डेज ओके, डिस्प्ले द नंबर ऑफ इन गेम डेज यू हैव प्लेड, ये तगड़ी चीज़ है यार, मतलब इसको भी ऑन कर रखा हूँ। ठीक है, बाकी तो ये देख सकते हो मेरा यहाँ पर ये वाली सीड होने वाली है, आप लोग खुद ही देख लो एंड आप लोग आगे चल के इस वाले सीड के अंदर खेल भी सकते हो आगे चल के। चलो अभी क्रिएट करते हैं हमारे नए वर्ल्ड को एंड देखते कि इस वाले वर्ल्ड के अंदर अपने को यहाँ पर कौन सी नई नई चीज़ उतरते ही मिलेगी, यानी कि स्पॉन होते ही मिलेगी। और अभी अपने स्टार्ट हो चुकी है माइनक्राफ्ट न्यू। ओके, तो गाइज हम लोग यहाँ पर स्पॉन हो चुके हैं एंड समुद्र के पास अपने को यहाँ पर स्पॉन मिला है। ठीक है यार, अच्छा ही स्पॉन है एंड बाकी आसपास में यहाँ पर काफ़ी सारे फूल वगैरह है एंड बाकी ओके, यहाँ पर टू पीक्स दिख रहे हैं मेरे को एंड बाकी आगे चल के देखूँ तो आगे कुछ खास चीज़ें लग नहीं रही यार, मतलब स्पॉन होते ही छोटा सा आइलैंड लग रहा है यार मुझे, इस वाले साइड के ऊपर तो कुछ लग नहीं रहा मुझे एंड उस वाले साइड के ऊपर चलते मैं एक काम करता हूँ, शायद से वहाँ पर मुझे ट्रीज या फिर विलेज ही मिल जाए, पता नहीं। अगर विलेज मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही विलेज मिलना काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है। अपने को पिछले वाले वर्ल्ड के अंदर वही हुआ था, स्टार्टिंग में ही मेरे को यहाँ पर अपनी विलेज मिल गई थी। ओके, न्यू रेसिपीज अनलॉक, बोट यहाँ पर अनलॉक हो चुकी है। चलो अभी सबसे पहले बेसिक जो काम है माइनक्राफ्ट के वही करते, पेड़ तोड़ना। ओके, तो मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर ये वाला पेड़ तोड़ दिया है एंड चलो अभी सबसे पहले अपने जो टूल से वो यहाँ पर क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके, तो बेसिक टूल्स तो हमारे हो चुके एंड अभी तो मैं स्टोन्स माइन करने के लिए नहीं जाने वाला, लेकिन यार स्पॉन देख रहे हो यार वैसे तुम लोग गाइस, कितने सारे फूल है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये वाला एक अलग टाइप का फूल है, ऑरेंज कलर का फूल है, ये वाइट कलर का, ये रेड कलर का। ओ एक सेकेंड, ये टर्टल है ना, पहली बार देख रहा हूँ यार माइनक्राफ्ट का टर्टल, काफ़ी तगड़ा है वैसे तो, बहुत ज़्यादा मोटा है बट खैर छोड़ो उसे। एंड बाकी यहाँ पर मुझे शुगर केन दिखाता ये रहा, इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि शुगर केन भी हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है पेपर्स वगैरह बनाने के लिए बेसिकली। तो चलो अभी आगे बढ़ के देखते हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर और क्या क्या हमें चीज़ें मिली है। ओ यहाँ पर रैबिट्स है यार, देखो काला रैबिट है एंड बाकी यहाँ पर ये ग्रेइश टाइप का रैबिट है एंड ये भी थोड़ा सा अलग 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 टाइप के, तीनों भी अलग है। ये वाला देखो ये अलग अलग टाइप का फूल है यहाँ पर, इससे भी अपन लोग
डाई बना सकते, ठीक है। एंड यार मतलब मेरे वर्ल्ड के अंदर कुछ लग नहीं रहा मुझे, पता नहीं वहाँ पर भी समुद्र ही है बेसिकली, छोटा सा आइलैंड लग रहा है यार मुझे, छोटा तो नहीं कह सकते बट इतना बड़ा भी नहीं है जितना बड़ा चाहिए हमें। प्रॉपर होता नहीं है क्या जहाँ पर विलेज वगैरह होते हैं, प्रॉपर प्लेन्स कहते, प्रॉपर बायोम कहते, वो यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा ये वाला। खैर चलो अभी आगे चलकर ही पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे आसपास। ओ यहाँ पर शीप्स है यार, चलो सबसे पहले शीप्स को मार देता हूँ मैं, क्योंकि बेड बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शीप्स ही है। मर 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 नूबड़ी मर, वहां पर भी एक है। ओके तो यहाँ पर बस दो ही शीप्स है, लेकिन एक ओके ओके यहाँ पर एक काऊ है, काऊ को भी मार देता हूँ क्योंकि उससे भी अपने को यहाँ पर फूड एंड लेदर मिलेगा। ओ एक सेकंड यार, यहाँ पर अपने को कॉल मिल चुका है, बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे पहले इस काऊ को, अबे भाग मत आ, थैंक यू। चलो अभी यहाँ पर स्टोन है तो सबसे पहले मैं अपने स्टोन्स के टूल्स को यहाँ पर अपग्रेड कर देता हूँ। चलो अभी आगे बढ़ के देखते हैं यहाँ पर अपने आसपास यहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं। एंड बेसिकली यार मुझे सबसे पहले तो यार विलेज ढूंढना है, क्योंकि विलेज के पास रहना एकदम सेफ फील कराता है। ओके यहाँ पर कुछ काउज नजर आ रहे तो मैं इनको अभी सबसे पहले मार देता हूँ ताकि मुझे इनसे अच्छा खासा फूड सोर्स मिल सके। एंड पता है यार शीप्स नहीं दिख रही यार, मतलब बस काउ एंड चिकन सी है। शीप्स मिल जाती है ना, यानी कि एक शीप भी मिल जाती है ना तो भी अपना काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा यार। एंड देख रहे यार भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, सबसे पहले कुछ खा लेता हूँ यार। ये अपने को रॉ मटन मिला है, ये खा लेता हूँ। इससे ज्यादा तो हार्ड नहीं बढ़ रहे बट अच्छी को चलता है यार, थोड़ा बहुत मिला बहुत यार इतना भी। चलो अभी आगे चल के देखते, एक्सप्लोर करते हैं हमारे बेसिकली वर्ल्ड को यहाँ पर। एंड यार मैं चलते चलते यहाँ पर पता नहीं कहाँ पर पहुंच चुका हूँ यार, ये वाली केव देख रहे हो यार तुम एक सेकेंड के लिए, भाई कितनी ज्यादा डीप है यार, मतलब मेरी अभी हालत नहीं है इतनी दूर अंदर तक जाने की। गलती से मैं पहुंच गया ना अंदर, भाई मार देंगे मुझे वो लोग यहाँ पर, जॉम्बीज एंड स्केलेटन वगैरह मिल के भाई पार्टी कर देंगे मेरे शरीर की। खैर छोड़ो अभी उसे, हम लोग भी और आगे बढ़ के अपने अच्छे से लोकेशन की तरफ जाता हूँ जहाँ पर मैं अपना तगड़ा वाला घर बना सकता हूँ। लेकिन यार ये वाला लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही है मतलब मुझे। एंड यहाँ पर ओ भाई चेरी ब्लॉसम है यहाँ पर यार, क्या ही तो तगड़ा लग रहा है। बट यार मुझे शिप चाहिए, शिप पता नहीं कहाँ पर मिलेगी, कितना ढूंढ रहा हूँ भाई पता नहीं यार, बट अभी तक कोई शिप वगैरह दिखी नहीं है मुझे। ओ एक सेकंड यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर है, थैंक गॉड यार शिप मिल गई यार, एकदम तगड़ा हो गया मतलब। मर जा नुबड़ी मर जा, ओके थैंक यू, मर गई भाई। अब बेसिकली मैं अपना बेड बना सकता हूँ, एंड आपको तो पता है ये बेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है माइनक्राफ्ट की, कुछ भी चीज़ ना बनाओ तो भी चलेगा बट बेड यार सबसे पहले बनाओ। एंड यार आप लोग देख रहे हो मेरा हंगर बार देख रहे हो यार तुम लोग, यार कितना कम हो चुका है, मतलब मैंने कितने फूड से यहाँ पर खाए नहीं है। चल मर जा, थैंक यू। ओके तो यहाँ पर बहुत सारा मेरे पास यहाँ पर रॉ बीफ हो चुका है, तो चलो सबसे पहले ये वाला यही फूड खा लेता हूँ, क्योंकि अभी तो यार कुछ है भी नहीं हमारे पास खाने के लिए, तो यही अभी मेरे को खाना पड़ेगा, कच्चा ही खाना पड़ेगा। बट ठीक है चलो, अभी हार्ट तो बढ़े यार इससे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। एंड यहाँ पर अलग टाइप की भी यहाँ पर मुझे पेड़ नज़र आ रहे हैं, ये देख रहे हो सामने की तरफ, यहाँ पर ये कुछ अलग टाइप के पेड़ है। एंड वहाँ पर भी अपने चेरी ब्लॉसम्स के पेड़ है, एंड वहाँ पर पम्पकिन उग रखे हैं, तो चलो सबसे पहले मैं चलता हूँ वहाँ पर पम्पकिन ले लेता हूँ, क्योंकि पम्पकिन का भी आगे चल के मुझे यहाँ पर यूज़ हो सकता है। Thank you.
गुड मॉर्निंग गाइस, हमारी पहला दिन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है माइनक्राफ्ट का। एंड अब भाई और भी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि अपने को यार सबसे पहले तो यार विलेज ढूंढनी है। पता नहीं विलेज मिले या फिर ना मिले, बट एक अच्छी लोकेशन ढूंढने जहाँ पर मैं अपना घर बना सकता हूँ। एंड यहाँ से मैंने कुछ पम्पकिंस ले लिए एंड चलो अभी ढूंढते तगड़ी वाली लोकेशन। ओ भाई अबे अबे ये कहाँ से आ गई? अबे मर 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 मर, अरे अरे भाई मार देगी ये। ओ भाई बच गए यार, बच गए भाई, मार देती है वरना। मेरे पास कोई आर्मर भी नहीं है। एंड ओ यार विलेज मिल गई अपने को। यस भाई विलेज ही तो चाहिए था भाई, थैंक गॉड यार विलेज मिल गई यार, कितनी खुशी हो रही है भाई। यार ये बहुत झगड़ा हो चुका है भाई, डैमेज देख रहे हो मैं कितना ले रहा हूँ, बट यार छोड़ो यार डैमेज को, विलेज मिल चुका है अपने को फाइनली यहाँ पर। अब भाई फूड की तो कोई कमी नहीं होने वाली मुझे। चलो अभी सबसे पहले लूटना चालू करते हैं। ये वाला घर देख रहे हो काफ़ी बड़ा है, बट यार इसके अंदर कोई भी चेस्ट नहीं है यार, मतलब ऐसा क्यों है? बट मैं अपना स्पॉन पॉइंट यहाँ पर सेट कर देता हूँ, ताकि अगर मैं बेसिकली मर जाऊँ, जो कि मैं मरना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर मर जाऊँ तो मैं यहाँ पर ही स्पॉन हूँ। एंड चलो अभी एक्सप्लोर करते हैं पूरे के पूरे विलेज को। ओके यहाँ पर ब्लैक स्मिथ का घर है, एंड अगर आपको पता होगा कि ब्लैक स्मिथ के घर के अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक यहाँ पर ट्रेजर रहता है, तो देखते चलो अभी पता नहीं इसके अंदर क्या है। भाई कुछ अच्छा ही दे देना प्लीज, कुछ अच्छा दे देना ठीक है, मतलब ज्यादा बुरा तो नहीं है। अपने को यहाँ पर आयरन की स्वॉर्ड मिल चुकी है यार, मतलब ठीक ठाक ही सैल्यूट मिले यहाँ से मुझे। एंड इसकी जो यहाँ पर चेस्ट है वो भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, क्योंकि आगे चल के मुझे इस चेस्ट की यहाँ पर काफी ज्यादा यूज हो सकती है। ओके तो यहाँ पर पीछे के सर तरफ भी यहाँ पर बहुत सारे घर है, बहुत सारे तो नहीं बट यहाँ पर दो घर है। एंड इसके अंदर तो भाई मुझे नहीं लगता कि चेस्ट हुई, क्योंकि छोटे छोटे घर है। एंड जो चेस्ट होती है, जो घर के अंदर चेस्ट होती है, वो बड़े घरों के अंदर होती है, छोटे घरों के अंदर नहीं होती। एंड यहाँ पर तो कोई भी मुझे चेस्ट नहीं लग रही है, हाँ कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं चलो चलता है। लेकिन यार यहाँ पर ये देख रहे हो यार तुम लोग, कितनी बड़ी यहाँ पर, बड़ी तो नहीं है बट काम चलाने लायक तो ये वाली केव लग रही है मुझे। एंड इसके अंदर शायद से बहुत ज़्यादा लूट हो सकती है, तो ये तो भाई मैं एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन अभी नहीं एक्सप्लोर करने वाला, क्योंकि अभी मेरी हालत नहीं है उस लेवल की कि मैं केव के अंदर जा कर के वो स्केलेटन एंड जॉम्बी से भिड़ू। पता है वो मुझे मार देंगे, पता है मेरे पास यहाँ पर आयरन की स्वॉर्ड है, बट ये भी कुछ काम नहीं करेगी, क्योंकि मेरे पास आर्मर ही नहीं है। जो अपना आर्मर होता है वो यहाँ पर मेरे पास है ही नहीं, तो सबसे पहले तो मुझे यार तगड़ा वाला आर्मर बनाना पड़ेगा। एंड आर्मर के लिए आयरन तो मुझे केव्स के अंदर से ही मिलेगी, तो मैं केव्स के अंदर आयरन वगैरह इकट्ठा करने के लिए चला जाऊँगा, लेकिन वो सब मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। ओके गाइस तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाली माइनक्राफ्ट की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करा देना। एंड अगर गाइस आपको वीडियो के अंदर कोई भी कमी वगैरह यहाँ पर लगा हो तो गाइस आप लोग कमेंट के अंदर बताना कि मुझे यहाँ पर क्या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखानी चाहिए वीडियोज़ बनाते वक्त। एंड अभी रेगुलर वीडियोज़ आना चालू होने वाली है, तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। एंड हम लोग 1K सब्सक्राइबर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो प्लीज़ गाइस 1K सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करवा दो, क्योंकि यहाँ पर 1K पर मैं Q&A करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए गाइस आप लोग यहाँ पर मुझे आपके जो भी मन के अंदर क्वेश्चंस है तो वो यहाँ पर पूछ सकते हो,
मैं यहाँ पर Q&A के अंदर सबका यहाँ पर जवाब भी दूंगा एंड उनको शाउट आउट भी दूंगा। तो गाइस आज के शो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।